अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कि क्रेन एक्सीडेंट कैसे होता है, क्यों होता है। अक्सर बेस्तर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से होता है। ओके दोस्तों, नंबर एक, जैसे ओवरलोडिंग, कभी भी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे जिस रेडियस पे हम काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस रेडियस पे क्रेन की कैपेसिटी कितनी बनती है। तो अगर जनरल लिफ्टिंग है तो 85%, क्रिटिकल है तो 75% ही हमें उठाना है। ओके दोस्तों, और हमेशा लोड को जो है फ्री रखना है, लोड कहीं पे अटैच ना हो जिससे जो है उसका वेट बढ़ता है। ओके दोस्तों, लोड कहीं भी अटैच ना हो, जैसे कि शटरिंग वगैरह में जो है, जब शटर वगैरह उठाते हैं तो उसमें शटरिंग को जो है बराबर जो है फ्री करके फिर उठाना है। अगर कहीं टायराइड में या कहीं फंसा हुआ है तो हम लिफ्टिंग करेंगे तो उसका लोड वेट ज़्यादा आएगा, इसलिए लोड को फ्री रखना चाहिए। या कोई बड़ा लोड है जैसे स्टील का बंडल है तो उसे हम उठा रहे हैं, स्टील कहीं फंसा हुआ है, 2 टन का बंडल आता है, फंसा हुआ है तो वो 5 टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लोड हमेशा फ्री होना चाहिए। और दूसरा है, मैकेनिकल फेलियर से भी होता है, ठीक है, इसलिए क्रेन की कंडीशन को हमेशा जो है चेक करते रहना चाहिए। और मॉनिटर जो उसमें लगा रहता है उसको भी हमेशा देखते रहना चाहिए कि ये सही ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा है। लोड हम कुछ उठा रहे हैं और मॉनिटर में जो है लोड मोमेंट इंडिकेटर कुछ बता रहा है, तो इस तरह से इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। विंड स्पीड से भी जो है, विंड स्पीड का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तेज़ हवा की कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब हवा तेज चलेगी तो लोड पे भी प्रेशर आएगा, बम पे भी प्रेशर आएगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जो है विंड स्पीड लिमिट के अंदर ही काम करना चाहिए। और ग्राउंड की कमी से भी होता है कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी जो है हमेशा जो है ध्यान में रखना चाहिए, बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हम उठा रहे हैं तो आउट ट्रिगर धंस सकता है। जैसे तमाम तरह का ग्राउंड है और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किस ग्राउंड की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, यानी उस ज़मीन की लोड सहने की क्षमता क्या होती है, ठीक है। उसमें PSI आता है, प्रेशर पर इंच स्क्वायर, और टन पर मीटर स्क्वायर में आता है। ओके दोस्तों, तो ये भी ध्यान में रख के करना है। और लिफ्टिंग टूल्स का प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, रॉन्ग सिलेक्शन कभी भी लिफ्टिंग, जैसे बेल्ट या वायर स्विंग या चेन जो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो लोड के अकॉर्डिंग, यानी लोड कितना है उसके हिसाब से हमें जो है अरेंज करना है, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक अरेंज करना है। उसको हम कैसे अरेंज करते हैं इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है कि उसका टेंशन निकालने सीधा सा आसान सा तरीका है, अभी उसको भी मैं वीडियो में बता देता हूँ कैसे टेंशन निकालेंगे। एक फार्मूला बता देता हूँ, मैंने जो है 2 फार्मूले 3 फार्मूले बताए हैं और वीडियो में, और एक फार्मूला आज मैं बता देता हूँ कि टेंशन कैसे चेक कर सकते हैं ईजी और आसान। ओके, तो ये हो गया कि सीलिंग का सिलेक्शन जो है राइट होना चाहिए, रॉन्ग सिलेक्शन से लोड जो है ड्रॉप हो सकता है, सीलिंग टूट सकता है। और सीलिंग भी जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है लिफ्टिंग से पहले कोई भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है, तो उसको इंस्पेक्शन करके फिर काम करना चाहिए। ओके दोस्तों, और जैसे कि मैंने कहा कि सीलिंग का टेंशन जो है, तो हम कैसे जानेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्रेन एक्सीडेंट होने का कारण क्या होता है, तो उसमें एक मिसकम्युनिकेशन भी होता है। जब रिगर और ऑपरेटर के बीच मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब भी होता है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 टन का लोड है, इसको 60 डिग्री पर उठाना है, तो इसके लिए हम इसका पहले टेंशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें कितना कैपेसिटी का सीलिंग यूज़ करना है। 2T sin theta = load weight। ओके दोस्तों, इसलिए
इजकल टू लोड वेट डिवाइडेड 2 इंटू साइन थीटा इजकल टू 15 डिवाइडेड 2 इंटू साइन 60, क्योंकि 60 डिग्री पे उठाना है। ओके दोस्तों, 15 डिवाइडेड 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड 2, इसको हम जो है कैलकुलेटर से जो है हल कर लेंगे। ओके दोस्तों, इजकल टू 15 डिवाइडेड 1.732 इजकल टू कितना आ गया, 8.66। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों।